आजम साहब से कोई मशावरत नहीं हुई, कल उम्मीद है मुलाकात होगी, उसमें चीजें डिस्कस। मैं अपने साथियों से मशावरत मुकम्मल कर लूँ, तकरीबन 90% फाइनल। ब्यूरोक्रेट होंगे, ये जनरल होगा, बस पाकिस्तानी होंगे। राजा रियाज साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है और उनसे हाथ से हाथ मिलाऊंगा, उनसे इंटरिम वजीर आजम के हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। कल पहली मुलाकात है, आइन 3 दिन की मुद्दत देता है, फिर 2 दिन हाउस में आएगा अगर नाम फैसला कर सके, उसके बाद फिर 2 दिन चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। हुकूमत के दिन खत्म, वक्त खत्म, मौजूदा कौमी असेंबली सिर्फ चंद घंटों की मेहमान, इत्तेहादी हुकूमत आज घर चली जाएगी। वजीर आजम आज समरी सदर मुमलिकत को भेजवाएंगे, निगरान वजीर आजम कौन होगा, सबको एक ही नाम का इंतजार, साबिक जज, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स या रिटायर्ड जनरल। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर भी ताहाल किसी नाम पर इत्तेफाक न कर सके। वजीर आजम की अपोजिशन लीडर राजा रियाज से कल मुलाकात होगी। जलील अब्बास जिलानी निगरान वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार बन गए, साबिक सेक्रेटरी खारजा भी दौड़ में शामिल, नाम मंजूर किए जाने का कभी इम्कान। निगरान वजीर आजम की रेस में मोहम्मद मियां सुमरो, हफीज शेख, फवाद हसन फवाद, सादिक संजरानी, तारिक बाजवा और नासिर महमूद खोसा भी शामिल। कौमी असेंबली का अलविदाई इजलास भी हो गया। वजीर आजम अपोजिशन लीडर समेत दीगर के खिताब, अलविदाई फोटो सेशन में शहबाज शरीफ और बिलावल समेत दीगर की शिरकत, मौजूदा वफाकी काबीना का भी आखिरी इजलास, वफाकी काबीना ने भी फोटो सेशन कराया। आपने ऑपोजिशन को दीवार के साथ नहीं लगाया बल्कि दीवार में चुन दिया, ये आलम था एक जुल्म, जाति और फासिस्ट हुकूमत का। एक पार्टी के लीडर को अगर आज सजा मिली तो हमें उसमें कतन कोई खुशी नहीं। इस मुल्क के साथ जो जुल्म और जाति हुई, जिसकी इंतहा 9 मई को हुई, आप जानते हैं कि दहशतगर्दी में इस मुल्क ने कितनी बड़ी कीमत अदा की है। सियासी अकाबरीन वो शहीद हुए, उनके बच्चे शहीद हुए और तब जाकर इस नासूर को जाम स्पीकर नुकेल डाली गई और शिकस्तें फाश हुई। चेयरमैन पिचाई को सजा पर कोई खुशी नहीं, मिठाई बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी ने ऐसा किया तो कतन अच्छी रिवायत नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली से अलविदा खिताब, कहा गुज़श्ता हुकूमत की नाकामियों और नाअहली का बोझ हम पर आन पड़ा। पिचाई हुकूमत अपनी जात की खातिर मुल्क को कुर्बान करना चाहती थी, सियासी मुखालफिन को नाजायज तंग किया, न ही नैब को पीछे लगाया। 9 मई को जो हुआ वो रियासत के खिलाफ बगावत थी। वजीर आजम ने कहा, सबका वजीर आजम ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान आकर बसने की दावत दी, जिसके बाद दहशतगर्दी ने सर उठाया। 13 जमाती इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की तारीख का अनोखा वाकया है, ऐसा गुलदस्ता पहले कभी बना न दोबारा बनेगा। वफाकी काबीना के अलविदाई इजलास के खिताब में वजीर आजम ने कहा, माजी की हुकूमत की संगीन गफलत की वजह से कशकोल उठाना पड़ा, IMF की शरायत कड़ी और सख्त है, प्रोग्राम से ही मुल्क दिवालिया होने से बचा, समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पैकेजेस की इफ्तिताही तकरीब। वजीर आजम ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में हमारे सिफारतकार हैं। Exiting the FATF grey list, हमने ना सिर्फ FATF grey list से निकले, हमने 2 action plans मुकम्मल किए, वक्त से पहले मुकम्मल किए और वक्त से पहले grey list से निकले। पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता, अमन को किसी सूरत दांव पर नहीं रखने देंगे। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमारा काम दहशतगर्दी का खात्मा और अमन बहाल करना है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही है, दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर उजागर किया, पैटअप से निकलने के लिए दिन रात काम किया। खुशी है कि पाक अमरीका दो तरफा तालुकात बहाल किए, ये भी कहा कि कुरान पाक की बेहरमती किसी सूरत कबूल नहीं। बेहतरीन खारजा पॉलिसी के बायस मुश्किल वक्त में आलमी इदारों ने हमारी मदद की। बिजली चोरी, टैक्स चोरी, गैस चोरी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि शहरों के दरमियान बड़ी बड़ी मार्केटों के अंदर 82% जो है वो बिजली चोरी होती है। 80% आप वजीर रहे हुए इस महकमे के, सर ये मुल्क किस तरह सॉल्वेंट होगा, नहीं सॉल्वेंट हो सकता।
बिजली चोरी, टैक्स चोरी और गैस चोरी हो रही है। अरबों की टैक्स वसूलियों पर हुक्मे इम्तिना अदलिया ने दे रखा है। ख्वाजा आसिफ का असेंबली में धुआंधार खिताब। कहा नवंबर में कमांड तब्दीली को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई ताकि इस्तेहकाम ना आए। इलेक्शन होंगे, नई असेंबली आएगी तो मजीद सियासी इस्तेहकाम आएगा। 9 मई वाकियात ने हमारी तारीख को दागदार किया। आर्मी तंजीबात पर इक्तदार के लिए हमले किए गए। कल वही शख्स अपने वकील से कह रहा था कि मुझे जेल से निकालो। वो शख्स तोहफे बेचने के शर्मनाक केस में पकड़ा गया। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन नेशनल असेंबली रही है, इसे पाकिस्तान के अवाम को खुशी दी है। बहुत खुशी का मुकाम है कि इससे पाकिस्तान के अवाम की निजात रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा असेंबली को तारीख की बदतरीन असेंबली करार दे दिया। कहा शर्मिंदगी है, इस ईवान का हिस्सा रहा। पाकिस्तानी अवाम को इस असेंबली से निजात मिलने पर खुशी मिली होगी। बदतरीन असेंबली का हिस्सा रहने पर अवाम से माफी मांगता हूँ। महंगाई कंट्रोल करने में हम नाकाम हो गए, सच यही है महंगाई पहले से भी बढ़ गई। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज का कॉपी सभी से अलविदा खिताब। कहा कि गरीब का इस दौर पर जिंदा रहना मुश्किल हो चुका। हकीकत यह है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे। बिजली 7 रुपए महंगी करने का बताया गया मगर 14 रुपए महंगी की गई। मुखालफीन के नापाक अजायम से निमटने की सलाहियत रखते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाजे और दो टोक पैगाम। जहलम के करीब टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। VT4 टैंक्स की लाइव फायरिंग का कारकर्दगी का जायजा। सिपा सालार ने कहा कि मौजूदा और आने वाले दिनों के चैलेंजेस का इदराक है। हर किस्म के खतरा से निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पैमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। वजीर इत्तेहाद मरियम औरंगजेब ने बिल सेनेट में पेश किया। मरियम औरंगजेब ने कहा अगर कोई इदारा 2 माह में वाजिबात अदा नहीं करता तो इश्तेहार नहीं मिलेगा। कम से कम उजरत नहीं दी गई तो इदारे को बिजनेस नहीं मिलेगा। बिल में सहाफियों के लिए मुतादिद मराद थी। बगैर पढ़े कहा गया काला कानून लाया जा रहा है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा ये सहाफियों की फलाह का बिल है। रजा रबानी ने कहा तमाम सहाफी तंजीमों को एतमाद में लेना चाहिए, नहीं मालूम क्या कहां से आ रहा है। बिल के खिलाफ पीटीआई का सेनेट से वॉकआउट। रजा रबानी और ताहिर बिजिंजो भी ऐवान से बाहर चले गए। चेयरमैन पीटीआई को फौरी रिलीफ न मिल सका, सजा आज ही मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 4-5 दिन में केस समाप्त के लिए मुकर्रर होगा। चेयरमैन पीटीआई के अडयाला जेल से मुंतकली से मुतालिक भी समाप्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो कानून में है वो आपको जरूर देंगे। समाप्त 11 अगस्त तक मुलतवी। वकील कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठ गया। शिकायत कुनंदा के वकील का जस्टिस बजाहिर नकवी और जस्टिस अजहर रिजवी पर एतराज। दोनों जजेस और वकील में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस बजाहिर नकवी ने कहा कि आपको इल्जाम का जवाब देना होगा, हम कमजोर नहीं है। वकील अमानुल्ला ने कहा कि आप चिल्लाएं मत, आपका गुलाम नहीं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि क्या हम गुलाम है। फौरी तौर पर अदालत से गैर मशरूत माफी मांगे। एडवोकेट अमानुल्ला का तहरीरी माफी मांगने से इनकार। हाथ जोड़कर माफी मांग ली। जस्टिस याह्या आफरीदी ने जस्टिस मुजाहिर से पूछा कि आपने माफी कबूल कर ली। जस्टिस मुजाहिर ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। समाप्त 24 अगस्त तक मुलतवी। हुकूमत तो खत्म हो गई, इलेक्शन कब होंगे। आम इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद पर छाए बादल न छट सके। नून लीग के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उम्मीद है इलेक्शन जनवरी 2024 में होंगे। लगता है निगरान सेटअप लंबा चलेगा। नवाज शरीफ को सितंबर तक पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। उससे पहले एक बुजुर्ग था वजीर आजम 4 साल के लिए और उसने अपना इलेक्शन में वादा किया था कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। उसको 4 साल मिला, 1 घर नहीं बना सका। आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला था, आपको नौकरियां का वादा किया, घरों को वादा किया और महंगाई गुर्बत और बेरोजगारी का अलावा आपको कुछ नहीं दिलवाया। आज वो पत्नी कहाँ है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख चेयरमैन पीछे की तरफ। बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है सिलेक्टर ने आवाम से झूठे वादे किए, आज पता नहीं कहाँ है। साबिक वजीर आजम ने 50 लाख घर बना कर देने का वादा किया, 4 साल में एक घर भी तामीर नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 82,000 सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। गोचके में खवातीन में प्लॉट के मालिकाना हकूक के लेटर भी तकसीम किए। कहा पीपल्स पार्टी ने चंद रोज में लोगों को घर बना कर दिए। इम्पोर्टेड सरकार झूठ पर इख्तिताम पसीर, वज़ीर-ए-आज़म का खिताब शर्मिंदगी और मुजरमाना नाकामियों का एतराफ़ था। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है हुकूमत अपने पीछे तबाही और बर्बादी की सियाल तारीख छोड़ गई। नाकाम पॉलिसियां 60 लाख पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर के नीचे ले गई। निगरान वजीर आला सिंध कौन बनेगा, अपोजिशन जमातों की मुशावरत का अमल जारी। वजीर आला सिंध की जानिब से अभी तक कोई नाम सामने ना आया। मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राणा अंसार की मुलाकात का भी सबको इंतजार। एमकेएम और जीटीए की जानिब से दिए गए नामों पर गौर। शैब सिद्दीकी, यूनिस ढागा और सफदर अब्बासी के नाम फेवरेट। एमकेएम और जीटीए में तीसरी मुलाकात कल होगी। निगरान वजीर आला और काबीना के नामों पर हतमी मुशावरत की जाएगी। मरियम नवाज की पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मौजूदाउन में तकरीब। पार्टी स्लोगन वाली एशिया की नुमाइश। एशिया में कॉफी कप, नोटबुक, बैजेस, पोस्टर्स और मोबाइल कवर्स शामिल। मरियम नवाज ने कहा जल्द शेर वापस आने वाला है। मरियम नवाज से कैनेडियन हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। कहा कैनेडा में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के रिश्ते को मजीद मजबूत बना रहे हैं। एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। तैयब ताहिर, सऊद शकील, मोहम्मद हारिस और फहीम अशरफ के सितारे चमक उठे। हारिस सुहेल, एहसान उल्लाह और शान मसूद मुंतखब नहीं किए गए। ओपनर्स में इमामुल हक, फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक शामिल। मिडल ऑर्डर में कप्तान बाबर आजम, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील और तैयब ताहिर होंगे। विकेट कीपर्स के लिए मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस पर एतमाद किया गया। स्पिन बॉलिंग को नायब कप्तान शादाब खान, उसामा मीर और मोहम्मद नवाज मजबूत करेंगे। फास्ट बॉलर्स में शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर और नसीम शाह लिए गए। वर्ल्ड कप का तब्दील शुदा शेड्यूल जारी। पाक भारत मुकाबले समेत 9 मैचों की तारीखें तब्दील। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच अब 15 के बजाय 14 अक्टूबर को होगा। वेन्यूज पहले वाले ही बरकरार रखे गए। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 12 के बजाय 10 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड 12 के बजाय 11 नवंबर को कोलकाता में टकराएंगे। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने। मैच पर भारत की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान जीता या मैच बराबर किया तो सेमीफाइनल में जाएगा। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल पहुंच चुकी। हार पर भी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कराची में यूएई कौंसल खाने में यौमे आजादी की तकरीब। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स रौनक लखानी की भी शिरकत। मेहमान खुसूसी स्पेशल ओलंपिक्स में सब हिलाली परचम बुलंद करने वाले खुसूसी बच्चे थे। स्पेशल बच्चों में जश्न आजादी के सिलसिले में तहाइफ भी तकसीम किए गए। बाबर से शादी करना चाहता हूँ, रमीज राजा की कमेंट्री वायरल। लंकन प्रीमियर लीग में बाबर की शानदार शॉट्स देखकर रमीज का मुनफरिद अंदाज। कहा मुझे बाबर से मोहब्बत है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ।